सो हेलो गाइस, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको तीन हाइडिंग प्लेसेस के बारे में बताएंगे जो कि निकल कर आता है बरमूडा कालारी में अपनी। तो हमारी पिछली वीडियो में जो लाइकम थी कुछ भी नहीं थी, लेकिन आपने अभी तक 50 लाइक कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज की लाइकम में थोड़ी ज़्यादा लगता है 55। आई होप कि आप इसे कम्प्लीट कर दोगे और आप ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहो, क्योंकि हमें हर आगे की वीडियो के लिए बहुत इंस्पायर करते हैं। तो आज के हाइडिंग प्लेसेस को जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी पहली हाइडिंग प्लेस के पास, जो कि निकल कर आता है हंगर और क्लक्टर के बीच में। आपको क्या करना है कि इस तरह से एक ग्लूअल सेट कर देना है, देख सकते हो। आपको यहाँ पर एक बाइक भी सेट कर देना है, जो भी गाड़ी होगी सेट कर देना है, और बाइक के ऊपर जंप करके ग्लूअल के ऊपर जंप कर देना है। यहाँ से धीरे धीरे करके घर के ऊपर भी जंप कर देना है। और यहाँ पर क्या करना है कि आपका गन जो है उसका स्कोप को इन करके जंप कर देना है। यहाँ पर भी वही करना है, स्कोप इन करके जंप कर देना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको क्या करना है कि चिमनी के इस साइड आ जाना है। अब चिमनी के इस साइड आ जाएगा तो आपको यहाँ कोई एनिमी देखने नहीं पड़ेगा। आप यहाँ बढ़िया तरीके से रैंक पुश कर सकते हो, कैंपिंग भी कर सकते हो। आपको यहाँ काफ़ी टाइम जोन भी पड़ता है, आप दो जोन आराम से बिता सकते हो। तो आपको यहाँ कोई भी एनिमी जज नहीं कर पाएगा। तो आपको ये हाइडिंग प्लेस कैसी लगी कमेंट में बताना। तो वीडियो का अभी तक जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पास में जो बेल वाला आइकन नजर आता है उसे ऑल पे सेट कर दे ताकि हम आगे जो नई वीडियो अपलोड करें आपके पास पहले पहुंच जाए। तो आपको ये हेडिंग प्लेस कैसे लगे कमेंट में बताना ना। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरी हेडिंग प्लेस की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी दूसरी हेडिंग प्लेस के पास, जो कि निकल कर आता है कालाहारी मैप के द सब में। मैप में देख सकते हो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छे से लोकेशन देख लो द सब। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक जंप करके सीधे सीधे जंप करते करते ऊपर की साइड आ जाना है, और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको क्राउच करके ऐसे सिंपल से बैठ जाना है। तो आप हमारी दूसरी हेडिंग प्लेस में आ जाओगे। यहाँ पर काफ़ी टाइम जोन भी पड़ता है, आप यहाँ दो जोन आराम से बिता सकते हो। तो आपको यहाँ कोई एनिमी जज भी नहीं कर पाएगा, आप एनिमी को आसानी से मार सकते हो। यहाँ पर कोई जो बंदा आता है आपको जज नहीं कर पाएगा, आप उसे मार सकते हो एकदम आसानी से। तो आपको ये हाइडिंग प्लेस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो अगर वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया हो लाइक भी कर दो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं एक वीडियो के लिए, तो समझते हो ना हम कितनी मेहनत करते हैं, तो लाइक तो बनता ना यार। तो आपको ये हाइडिंग प्लेस अच्छी लगी होगी मेरा आशा है। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी तीसरी हाइडिंग प्लेस के पास, जो कि निकल कर आता है मिल में, देख सकते हो। आपको मिल में आ जाना, ये दो दो बड़े बड़े घर हैं उसके बीच में। आपको क्या करना है कि ये जो कार दिखाई दे रही है वहाँ पर आ जाना है, टूटी फूटी कार के पास। यहाँ पर इस तरीके से ग्लूअल सेट कर देना है। आपको यहाँ पर दो ग्लूअल की ज़रूरत है, और एक ग्लूअल इस तरीके से सेट कर देना है, ये ट्रक को जैसे छू रहा होगा। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है कि एक ग्लूअल के ऊपर जंप कर देना है, और यहाँ से धीरे धीरे ये ग्लूअल के ऊपर चलते चलते आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक जंप करके आपको ट्रक के ऊपर चले जाना है। तो आप हमारी तीसरी हाइडिंग प्लेस में आ जाओगे। यहाँ पर आप प्रोन करके लेट जाओगे तो अच्छा है, आपको कोई भी एनिमी देख नहीं पाएगा। अगर उस साइड से कोई आता है तो आपको देख पाएगा, नहीं तो और किस साइड से आपको एनिमी देख नहीं पाएगा। लेकिन आपको कोई आसानी से जज नहीं कर पाएगा, आप उसे मार दोगे आसानी से। आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाने के बाद ये ग्लूअल को तोड़ देना है, नहीं तो एनिमी को पता लग जाए कि यहाँ पर कोई बंदा है। इसलिए आपको क्या करना है कि ये ग्लूअल को तोड़ देना है, और यहाँ पर सिंपल से प्रोन करके लेट जाना है। आप यहाँ काफ़ी टाइम जोन भी पड़ता है, आप यहाँ कैंपिंग करके काफ़ी जोन भी बिता सकते हो। रैंक पुश के लिए जगह बढ़िया है। तो आपको यह हाइडिंग प्लेस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और सबसे अच्छी हाइडिंग प्लेस कौन सी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।